असम की स्थानीय अदालत ने दिल्ली के सीएम व आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। दरअसल पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं होने के चलते कोर्ट ने ये वारंट जारी किया है। केजरीवाल ने दिल्ली में एमसीडी चुनाव की व्यस्तताओं का हवाला देते हुए पेशी के लिए और समय की मांग की थी। कोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इससे पहले भी उन्हें 30 जनवरी 2017 को पेश होने का आदेश दिया गया था, लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाए थे। उन्हें 2 महीने का समय दिया गया, इसके बावजूद वे पेश नहीं हुए। कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लेते हुए गुरप्रीत सिंह उप्पल की याचिका को खारिज कर केजरीवाल के खिलाफ 10,000 रुपए की जमानत का गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। मामले में उपस्थिति की अगली तारीख 8 मई 2017 निर्धारित की गई है।